नाज़रीन, इस वक्त रात के 12:30 बज चुके हैं और हम जो है इस वक्त हनीवाल स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। और ये बताएं कि आप ग्रीन लाइन में सफ़र कर रहे थे। जी सर। तो कैसा लगा सफ़र और किस क्लास में सफ़र हो रहा था? हमारा अभी तो एसी कॉलर में हो रहा है, लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन एसी स्टैंडर्ड जो है ना, वो हम कराची से जब आए थे यहाँ लाहौर तक, तो बेहतरीन चला था। बहुत वेरी फर्स्ट टाइम आउट गोइंग एंड गोइंग, फर्स्ट टाइम हुई है कराची। नहीं, कराची से पिटी से फिर कराची से जहाँ, तो हम बहुत बार जा चुके हैं तेजगांव वगैरह, आपसे आवामी से कई दफ़ा जा चुके हैं इससे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम जो है ना हमारा ट्रैवल है इससे। ये देखेंगे इसको थोड़ा सा और उसको एनहांस करना चाहिए अच्छे तरीके से। इसका एसी अंदर अच्छा होना चाहिए, इसकी सीटी कम्फर्टेबल होनी चाहिए, ताकि थोड़ी सी रिवॉल्विंग हो या उससे एडजस्टमेंट और ज़्यादा हो के आदमी ऐसा महसूस हो कि जैसे हम थोड़ा सा लेट गए। बैठे बैठे जो ना होती है, ज़रूर पीछे होती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा, देखिए जो आपने बात की वो अपनी जगह पर है। असल में इसमें एसी बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहा हूँ ना। अब आपकी बाकी जो बोगियाँ हैं वो स्टैंडर्ड एसी की वो बेहतर है, इकॉनमी की बेहतर है। जो सबसे हाई और प्राइम जो मतलब क्लास है, उसकी जो बोगी है वो बिल्कुल पुरानी गाड़ी का किसी का डब्बा इसमें लगा दिया गया है। नई गाड़ी में पुराना डब्बा लगा हुआ है, जो कि उसकी तमाम एसेसरी जो भी कुछ है ना, उनको नाकस और नाकारा है। और अगर आप आला काम को, रेलवे को अगर आप मुतला करें, तो इस हवाले से करें कि वो बिल्कुल भी आप 400 कर रहे हैं पैसे, यानी कि लाहौर से या इस्लामाबाद से कराची का जो किराया 13,000 रुपये अप्रॉक्सीमेट है, तो आप उस क्लास में कोई सहूलत नहीं है। और दीगर क्लास इससे बेहतर है। अभी हम यही तबसरा कर रहे थे कि हमारे को एसी स्टैंडर्ड जो है ना वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, पॉलर से ज़्यादा बेहतर लग रहा है, जबकि उसकी प्राइस दोनों से कम है। ये आप आगे आला काम जो रेलवे के हैं, जो भी आपका जिनसे भी इस मैसेज जा सकता है, उनको आप ये मैसेज। एक चीज़ और आपकी कि जैसे एसी स्टैंडर्ड के कस्टमर ज़्यादा हैं, ठीक है, जहाँ इकॉनमी के 2 डब्बे लगाए हैं, पैसेंजर ज़्यादा होने की वजह से एक आधा डब्बा इसका भी बढ़ा देना चाहिए, ख़ास तौर से लाहौर से, ठीक है। ये दूसरा, अभी मैं आया भी हूँ तो टिकट नहीं मिली, जा भी रहा हूँ तो नहीं मिली। तो नाज़रीन, ये मसले मसाइल तो चलते रहते हैं। इसके साथ साथ हम जो आला हकाम हैं उनसे एक गुजारिश है कि लोगों के ये जो हदशात हैं ये दूर किए जाएँ, और जहाँ जहाँ पर ये पेचीदगी इनको दूर किया जाए, क्योंकि ये एग्जेक्टिव क्लास ट्रेन है और इमेज जो है वो अच्छा जाना चाहिए और कंफर्टेबल। जब अवाम नास को ये लगेगी तभी लोग इसे एग्जेक्टिव कहेंगे। लेकिन ये बेसिकली मैं आपको बताऊँ वजह क्या है। इंसान जब किसी चीज़ को सिलेक्ट करता है, वो अपनी कंफर्टेबल होने के लिए उसको सिलेक्ट करता है। अब अगर जो हमने ग्रीन लाइन को सिलेक्ट करा है, तो हम ये जानते हैं कि ग्रीन लाइन, ये सेक्टर जो ग्रीन लाइन रेलवे का ट्रेन जो है, ये एक कंफर्टेबल जोन के हवाले से अच्छा एक ट्रेन है। लेकिन अभी आप, हम जिस मतलब बिजनेस क्लास में हम जर्नी कर रहे हैं, तो हमें जिस इन्होंने बोगी इसको दी है, नॉमिनेट करी है, वो बोगी जो है वो किसी थर्ड क्लास डब्बे से रिलेट करती है। इवन ये कि अगर जो इसको बिजनेस क्लास को इकोनॉमी क्लास के डब्बे से कंपेयर किया जाए, बॉक्स से कंपेयर किया जाता है, तो उसकी इकोनॉमी क्लास की जो डब्बे की कंडीशन है, वेल मच बेटर रिगार्डिंग द बिजनेस क्लास। तो दैट मीन्स कि अगर जो वी पेड द हाई अमाउंट, तो वी वांट के सम स्पेशल ट्रीटमेंट रिगार्डिंग फ्रॉम द इकोनॉमी क्लास। तो आपके चैनल के तवस्सुत से हम रेलवे के हुकाम को ये गुजारिश करेंगे, इल्तजा करेंगे कि काइंडली आप लोग इन चीज़ों में थोड़ा तवाज़ुन लेकर आएँ। जो जिस क्लास में सफ़र कर रहा है उसको उसके हिसाब से फैसिलिटेट किया जाए। आया ये कि अच्छा, एक चीज़ और, ये जो कहते हैं कि इसके अंदर एसी तो वेल काम कर ही रहा होता है, कि बस टाइम तो हमें ऐसा होता है कि हमने एसी हल्का करवाना पड़ता है। इवन ये कि
इन नाइट टाइम में हमें इस चीज़ को कम करवाना पड़ता है क्योंकि कूलिंग उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक रिक्वेस्ट हमारी ये है कि काइंडली ज़रा इस पर नज़र सानी की जाए। आपके चैनल के तवस्सु से हम ये चाहते हैं कि आप रेलवे हुकाम को थोड़ा सा ये मैसेज सुनाएं, आपके पैसेंजर क्या किस किस्म की शिकायत कर रहे हैं, तो थोड़ी इसकी तरफ भी तवज्जो दें। लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के एसेट जो हैं वो महफूज हाथों में आएँ और उनके अंदर प्रोग्रेस हो, ना कि उनके अंदर छीना झपटी हो और लोगों का इस्तेसाल हो। हम अब जैसे डब्बे में आए उसमें इकॉनमी क्लास के लोग आए हुए हैं, उन सीटों पे भरा जमाने हैं और लोगों जो हम जो टिकट्स लेकर बैठे हैं जिन्होंने बुकिंग करवाई है उनको कह रहे हैं जी ये हमारी जगह है। तो काइंडली ज़रा अपने जो सिक्योरिटी अहलकार है उनको भी थोड़ा इस चीज़ से तंबीह करें कि आके ज़रा इस चीज़ को भी ज़रा देखें कि जो जिनकी सीट्स हैं वो उन सीट्स पर हैं कि नहीं हैं। बहुत शुक्रिया जी। सो थैंक यू।